हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप की कुछ हिडन ट्रिक्स के बारे में जो आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगी। दोस्तों, आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स व्हाट्सएप का लास्ट सीन ऑफ रखते होंगे ताकि किसी को पता ना चले कि हम कब ऑनलाइन आए, कब हमने चैट की। तो उसका एक अल्टरनेटिव भी है हमारे पास। उसमें क्या होता है, जब हम लास्ट सीन ऑफ करते हैं तो ऑनलाइन जब आते हैं तो सभी के फ़ोन में जो हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है वहाँ पर ऑनलाइन सभी को शो होता है हमारा। तो ऑनलाइन को शो किए बिना भी हम व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं, और काफ़ी अलग अलग ट्रिक्स के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो वीडियो पूरी देखते रहना। मेरा नाम होशियार जानी, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हम व्हाट्सएप का ऑनलाइन कैसे ऑफ कर सकते हैं, जो सबकी डिमांड रहती है कि हमें चैट भी करनी है और ऑनलाइन भी ना शो। तो हमें प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है व्हाट्सएप बबल्स। तो ये मैंने डाउनलोड कर रखी है, तो मैं इसको डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके बाद कुछ परमिशंस मांगेगा ये, इनको आपको इनेबल कर देना है अपने फ़ोन के अंदर। परमिशंस इनेबल कर देने के बाद हमारी स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप का एक बबल आइकन शो हो जाएगा जब भी कोई मैसेज आएगा। जैसे मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने कोई भी मैसेज सेंड किया अपने दूसरे नंबर से, तो हम कोई भी मैसेज अपने पास आएगा तो वहाँ पर हमें व्हाट्सएप ओपन करने की अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने कोई मैसेज सेंड किया, आपको दिख जाएगा, जैसे सिंपल भी मैसेज ऊपर डिलीवर हो गया है, नोटिफिकेशन आ गया है, और इसको साइड कर देने के बाद यहाँ पर बबल आइकन भी शो हो रहा है नीचे। तो इस पर टैप करके हम सिंपल चैट कंटिन्यू रख सकते हैं, और जो भी दूसरा पर्सन है या कोई भी हमारी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट, किसी को भी हमारा ऑनलाइन शो नहीं होगा, और हम चैट भी कर सकते हैं आसानी से, कुछ भी मैसेज सेंड कर सकते हैं, डाटा शेयर कर सकते हैं, कोई ऑनलाइन शो नहीं होगा। टाइमिंग भी देख सकते हो आप, चैट चल रही है पर टाइमिंग जो लास्ट सीन है पहले का ही दिखा रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम मैसेंजर की तरह ही एक बबल आइकन क्रिएट कर सकते हैं व्हाट्सएप बबल से, और चैट कंटिन्यू रख सकते हैं किसी के साथ भी। दोस्तों, अब आपको लास्ट सीन नहीं ऑफ करना पड़ेगा, और जो ऑनलाइन शो होने की दिक्कत थी उससे भी आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो ये कैसी लगी ट्रिक ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। बात करते हैं दूसरी ट्रिक के बारे में। दोस्तों, अगर आप व्हाट्सएप के अंदर किसी का स्टेटस देख रहे हो और आपको वो स्टेटस पसंद आ जाए, तो आप या तो उसको मैसेज करोगे सामने वाले पर्सन को कि मेरे को ये सेंड कर, या किसी थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ करके आप उसको डाउनलोड करोगे। तो इसका अल्टरनेटिव भी है दोस्तों हमारे पास। आपको एक बात बताऊं, ये सारे स्टेटस हमारी गैलरी के अंदर ऑलरेडी सेव रहते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल फाइल मैनेजर ओपन करना है, यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा आपको कॉर्नर में, यहाँ पर शो हिडन फाइल्स को इनेबल कर देना है। ये करना कंपलसरी है, इसके बिना नहीं शो होगा आपको। तो ये करने के बाद हमें फाइल्स को ओपन करना है, और यहाँ पर जो आपको व्हाट्सएप का फोल्डर होगा हमें इसको ओपन करना है। तो यहाँ पर इसको ओपन करने के बाद मीडिया का ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको एक डॉट स्टेटस का फोल्डर मिलेगा। इसके अंदर वो सारे स्टेटस होंगे जो हमारे व्हाट्सएप के अंदर अभी है, जो हमने वॉच किए हैं, और ये 24 आवर तक रहेंगे। तो गाइस, यहाँ से हम सिंपल उनको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट, और यूज़ कर सकते हैं, हमें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है कहीं से भी। अब बात करते हैं हम थर्ड ट्रिक के बारे में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम जब भी किसी को व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज सेंड करते हैं तो उसको सेंड करने से पहले हम सुन सकते हैं कि हमने जो बोला है वो सही है क्या। तो हम सिंपल उसको स्लाइड अप कर देंगे और जो लॉक हो जाएगा, और हमारी जो भी ऑडियो है हम रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद हमें जस्ट बैक बटन पर टैप करना है, एंड इसके बाद बैक करने के बाद हम वापस ओपन करेंगे उसको, तो यहाँ पर हमारा मैसेज हमें शो हो जाएगा, हम इसको प्ले करके सुन सकते हैं। और अगर ये मैसेज सही है तो हम इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, अगर ये मैसेज सही नहीं है तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे हमने सिंपल इसको लॉक किया और हमने इसको जैसे बैक किया, और जब हम दोबारा इसको ओपन करेंगे तो हमने इसको सुन के देखा ये सही नहीं है, तो हम इसको डिलीट भी कर देंगे। तो इस तरह से हम पहले सुन सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको लाइक ज़रूर करके जाना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। दोस्तों, अगर आप अनवांटेड व्हाट्सएप ग्रुप से परेशान हो चुके हो तो आप कुछ सेटिंग चेंज कर सकते हो अपने व्हाट्सएप के अंदर, तो आपको हर कोई ऐड नहीं कर सकेगा। सेटिंग ओपन करनी है, इसके बाद हमें अकाउंट में जाना है, सिंपल प्राइवेसी के अंदर टैप करना है, और यहाँ पर आपको एक ग्रुप्स का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आप कस्टम सेट कर सकते हो कि आपको कौन ऐड कर सकता है। आप माई कॉन्टैक्ट चूज़ कर सकते हो, या कुछ स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट को भी चूज़ कर सकते हो कि यही ऐड कर सकते हैं बस, और ये सेटिंग चेंज कर सकते हो आप, और अनवांटेड ग्रुप्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी।
दोस्तों व्हाट्सएप के अंदर भी पेमेंट का एक मेथड है, आप वहाँ से भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो यूपीआई के थ्रू, जैसे पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे में करते हैं। हमें सिंपल 3 डॉट्स पर टैप करना है, यहाँ पर आपको पेमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर हमें ऐड पेमेंट मेथड करना है। और जो भी हमारी सिम जो भी बैंक से कनेक्ट होगी वो हमारे फ़ोन के अंदर होनी चाहिए, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना है। और जो भी हमारा बैंक होगा वो पूरी लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी, आपका जो भी बैंक हो आप चूज़ कर सकते हो यहाँ से। एंड उस पर टैप करने के बाद आपको सिंपल अपना अकाउंट वेरीफाई कराना है, आपके पास मैसेज आएगा, आपका जो भी बैंक हो आप सेलेक्ट कर सकते हो, और आप यहाँ पर भी यूपीआई के थ्रू मनी किसी को भी सेंड कर सकते हो। सिंपल आपको कंटिन्यू करना है और इनको वेरीफाई कर, और इस तरह से आप व्हाट्सएप पेमेंट को यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो जरूर शेयर करना और लाइक करके भी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज लाता रहता हूँ। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, जय हिंद जय भारत।